1000 मेगावाट की करछम बांगतू परियोजना में मजदूर द्वारा आत्महत्या मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। किन्नौर के विधायक जगत नेगी ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या से पहले मजदूर ने सुसाइड नोट भी लिखा है और कंपनी अधिकारियों को नामजद किया है। पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए। किन्नौर जिला के करछम और बांगतू के मध्य बनी 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में लगे एक मजदूर जो कारपेंटर का काम करता था, उसने अपने बैरक में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले मजदूर ने सुसाइड नोट में कंपनी अधिकारियों द्वारा लगातार जबरन बीआरएस लेने का दावा बनाने जाने की बात लिखी थी। इससे पहले भी परियोजना क्षेत्र में अन्य मजदूरों ने कंपनी द्वारा मजदूरों पर दाव बनाकर जबरन छटनी करने का आरोप लगाया था। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि जेएसडब्ल्यू में कार्यरत एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या का कारण मजदूर ने सुसाइड नोट भी लिखा था कि कंपनी के अधिकारी उस पर जबरन बीआरएस लेने का दबाव बना रहे हैं और इससे वे सदमे में है, इससे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस प्रशासन नकारात्मक रवैया अपना रहा है, इससे संदेह हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कंपनी के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजदूरों की छटनी का एक बहाना मिल गया है। इस तरह के हालात में छटनी को रोका जाना चाहिए, अन्यथा गरीबों का जो आर्थिक एवं सामाजिक जीवन है वह गड़बड़ा जाएगा। सोलन मानव भारती विश्वविद्यालय में जहां शिक्षा का व्यापार चलता था, फर्जी डिग्रियां लाखों रुपए लेकर बेची जाती थी, ये खुलासा एसआईटी की टीम पहले ही कर चुकी है और हजारों फर्जी डिग्रियां बरामद भी कर चुकी है। इस फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड राजकुमार राणा भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी जमानत याचिका की सुनवाई सोलन जिला न्यायालय में लगी थी, जिसमें अभी माननीय न्यायाधीश ने जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने निश्चित हुई है, ये जानकारी डीएसपी रमेश शर्मा ने मीडिया को दी। रमेश शर्मा ने बताया कि डिग्री फर्जीवाड़े के मुख्य अभियुक्त राजकुमार राणा की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि कई कंपनियों से उन्हें पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने कई डिग्रियों के बारे में पूछा है। ऐसे ही उन्हें कई पत्र विदेश से भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने डिग्रियों की जाँच करने के लिए आग्रह किया है। अब एसआईटी इन डिग्रियों की जांच भी कर रहा है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पूरे देश भर में इस विश्वविद्यालय ने अपने सेंटर्स का जाल बिछाया हुआ था। एसआईटी को अंदेशा है कि इन सेंटर्स से भी डिग्रियों की खरीद फरोख्त चलती थी, इसलिए इनका भी अन्वेषण किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते अभी यह अन्वेषण नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही ये जाँच पूरी कर ली जाएगी। कोरोना संकट के चलते सोलन का व्यापारी बेहद चिंतित दिखाई दे रहा है। अनलॉक होने पर उसे आशा थी कि उसका व्यापार चल निकलेगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत आजकल बाजारों से रौनक गायब है और ग्राहक बेहद कम खरीदारी कर रहे हैं। ताकि के त्योहार पर व्यापारियों को आशा थी कि पहले की तरह आमदनी हो जाएगी, लेकिन लोग कोरोना के डर से खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों की आशाओं पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सोलन के व्यापारियों का कहना है कि उनके द्वारा विभिन्न तरह की राखियां दुकान में रखी हैं, जिसमें सस्ती से लेकर महंगी तक हर प्रकार की राखी ग्राहकों के लिए प्रदर्शित की गई है, लेकिन बाजार ज्यादातर खाली पड़े हैं। उनकी राखी न के बराबर बिक रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग कोरोना संक्रमण से बेहद डरे हुए हैं। वे अपने घरों से खरीदारी करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। बाजार के आसपास रहने वाले
लोगों ने ही राखी की खरीदारी की है। गांववासी खरीदारी करने बाजार नहीं आ रहा है, यही वजह है कि त्योहार होने के बावजूद भी वे बेहद मायूस हैं।